हेलो फ्री फायर, क्या हाल है? उफ़ भी क्या हो फुली हो फबी, बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे ना। देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एडवांस सर्वर के बारे में। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। वैसे तो गाइस फ्री फायर के अंदर आपको बहुत सारे सर्वर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन भाई जो एडवांस सर्वर है उसके जैसे सर्वर आज तक अपने फ्री फायर गेम के अंदर नहीं आया। क्योंकि भाई जो एडवांस सर्वर होता है उसके अंदर हमको सारी की सारी चीजें एक एक डायमंड के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि दोस्तों, बंडल ले लो, गन स्किन ले लो, इमोट ले लो और इसी के साथ में कैरेक्टर ले लो। तो इस तरह की सारी चीजें आपको एडवांस सर्वर के अंदर या तो फ्री में मिल जाती हैं या तो हमको एक एक डायमंड में मिल जाती हैं। और एडवांस सर्वर के जो इवेंट होते हैं वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ डायमंड मिलते हैं और हमको वहाँ पे और कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता, सिर्फ आपको डायमंड ही मिलते हैं। साथ में भाई हमको एडवांस सर्वर के अंदर ये भी पता चल जाता है कि अपने अपकमिंग कैरेक्टर कौन सा होगा, अपकमिंग पेट कौन से होंगे और इसी के साथ में अपकमिंग गन वगैरह कौन कौन सी आने वाली है। वो सारी की सारी चीजें हमको एडवांस सर्वर के अंदर ही मिल जाती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एडवांस सर्वर घुमाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो अब सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एडवांस सर्वर में। सबसे पहले अभी आप लोग मेरा यहाँ से नाम देख सकते हो, इसके बाद यहाँ से मेरे डायमंड को देख सकते हो जो कि यहाँ पर मेरे पास 1400 डायमंड है और हो सकता है मैं अभी इसको 14000 डायमंड कर दूं। अरे बाबा। साथ में अभी आप लोग अपना अपकमिंग कैरेक्टर देख सकते हो, इसकी स्किल क्या है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद अभी आप लोग मेरा मेल बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गरीना ने हमको गिफ्ट दिया है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गरीना ने हमको कुछ EXP कार्ड और यहाँ पर से 20 कस्टम कार्ड दिया, वो भी एकदम से फ्री में। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लेम कर लेते हैं। और अब चलो बात करते हैं यहाँ के इवेंट सेक्शन की। और इवेंट सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले हमको एक लॉग इन इवेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद ये सारे के सारे डायमंड हमको फ्री में मिल जाते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद आप लोग ये सारे के सारे डायमंड को क्लेम कर सकते हो। इसके नीचे चलते हैं तो हमको यहाँ पर लेवल अप मिशन देखने के लिए मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पर लेवल अप करना है अपना। अगर आपको यहाँ पे 30 लेवल हो जाएगा तब आपको ये सारे के सारे डायमंड एकदम से फ्री में मिल जाएंगे। इसी के नीचे हमको यहाँ पे डेली मिशन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमको डेली कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद हमको अगेन से यहाँ से कुछ डायमंड मिलते हैं। एंड इसी के नीचे हमको एक लोन वॉल्फ मोड मिशन देखने के लिए मिलता है जिसको कि कंप्लीट करने के बाद अगेन से हमको ये सारे के सारे डायमंड मिल जाएंगे। तो आप लोग इन सारे के सारे डायमंड्स को क्लेम कर सकते हो। एंड इसी के नीचे गाइस हमको गिल्ड वार मिशन भी देखने के लिए मिल जाता है, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमको यहाँ पर काफी ज्यादा डायमंड देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसके बाद हमको ट्रेनिंग ग्राउंड मिशन भी देखने के लिए मिलता है जिसको कंप्लीट करने के बाद अगेन से हमको डायमंड और यहाँ पर रूम कार्ड भी एकदम से फ्री में मिल जाएंगे। एंड इसी के नीचे हमको लास्ट मिशन देखने के लिए मिलता है, इलाइट मिशन। तो जब आप लोग इस इवेंट को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर भी हमको बहुत सारे डायमंड एकदम से फ्री में देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम लोग इनको भी क्लेम कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर सारे डायमंड को क्लेम करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 15,856 डायमंड हो चुके हैं। और इसके बाद हमको अपने अपकमिंग अपडेट में ये करेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप लोग इस करेक्टर को देख सकते हो, बाकी गाइस अभी आप लोग इसकी स्किल वगैरह को देख सकते हो जो कि यहाँ पर हमको एक्टिव स्किल देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई अभी चलो बात करते हैं यहाँ के स्टोर सेक्शन की और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमको सारे के सारे रिवार्ड एकदम से फ्री में कैसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ के स्टोर सेक्शन में और हम लोग सबसे पहले यहाँ के फैशन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ का फैशन सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर हमको एक बंडल देखने के लिए मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड का है। इसके बाद यहाँ का कैफ सेक्शन चलते हैं। तो भाई अभी आप लोग ये सारे के सारे कैफ्स को देख सकते हो जो कि भाई एक एक डायमंड के अंदर ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर जितने भी मास्क वगैरह है वो सारे के सारे अगेन से हमको एक एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ के जो फेस पेंट सेक्शन है वो भी भाई सिर्फ और सिर्फ एक एक डायमंड का है। और इसके बाद यहाँ का जो शर्ट सेक्शन है वो भी गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड के अंदर ही सारे के सारे
सेट हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई यहाँ का पैंट सेक्शन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जितने भी पैंट है वो सारे के सारे हमको एक एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ का शूज सेक्शन भी भाई अभी आप लोग देख सकते हो, ये भी सारा कुछ हमको एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो फुल बंडल होता है वो भी भाई हमको एक ही डायमंड में देखने के लिए मिलता है। और गाइस अगर हम लोग यहाँ के कलेक्शन सेक्शन में चलते हैं तो भाई अभी आप लोग यहाँ का कलेक्शन सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर जो इमोट है वो सारे के सारे हमको एक एक डायमंड के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई अभी हम लोग इनको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है डायमंड तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भाई यहाँ पर इतने कम रिवार्ड है जिनको कि हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो एनिमेशन है भाई साहब वो सारे के सारे हमको एक एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो स्काई विंग है वो भी एक डायमंड की है, और यहाँ पर ये जो बैकपैक है वो भी एक डायमंड का है, साथ में यहाँ पर लूट बॉक्स वो भी भाई एक एक डायमंड के ही है। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यार मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर व्हीकल और अवतार बैनर ये सारा कुछ हमको एक एक डायमंड में मिल जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ के वेपन सेक्शन में चलते हैं तो भाई अभी आप लोग यहाँ का वेपन सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको दो गन देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन भाई जो भी मिलती हैं वो भी एक एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड इसके बाद यहाँ के ग्लू वॉल सेक्शन भाई वो भी हमको एक डायमंड में ही देखने के लिए मिलता है। और यहाँ का प्रीसेट सेक्शन मतलब कि जो कैरेक्टर सेक्शन है वो भी भाई हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। कुछ कैरेक्टर हमको यहाँ पर 43 डायमंड के मिलते हैं, लेकिन भाई आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर हमको एक एक डायमंड के मिल जाते हैं। कुछ तो गाइस हमको एक गोल्ड का मिलता है, ठीक है आप लोग समझ सकते हो एक गोल्ड, तो चलो मैं इसको एक गोल्ड में परचेज करता हूँ। और भाई साहब अभी आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे कैरेक्टर हमको एक एक डायमंड में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद भाई यहाँ का जो पेट सेक्शन है वो भी भाई काफी ज्यादा कमाल का है। कमाल का क्यों है आपको पता ही होगा, ये सारे के सारे पेट हमको एक एक डायमंड के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ के आइटम सेक्शन में चलते हैं तो भाई यहाँ पर जो गन की क्रिएट है वो सारी की सारी गन की क्रिएट हमको एक एक डायमंड के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ईओ गन्स का टोकन है वो भी भाई हमको एक एक डायमंड के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। देन यहाँ पर जो कस्टम कार्ड होता है भाई साहब जिसको कि आप लोग रूम कार्ड बोलते हो वो भी हमको एक एक डायमंड में मिलते हैं, और मैं यहाँ से इनको अनलिमिटेड परचेज कर सकता हूँ। ठीक है अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ से इसको 99 परचेज कर लिया जो कि भाई मेरे को मिल चुके हैं। एंड अगेन से अगर मैं इनको परचेज करना चाहूँ 99 तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपके सामने 200 कस्टम कार्ड परचेज कर लिया। ठीक है अभी आप लोग इनको देख सकते हो वो भी भाई सिर्फ और सिर्फ 200 डायमंड में वो भी हमको फ्री में मिले हैं। एंड इसके बाद यहाँ का रिडीम सेक्शन में चलते हैं तो भाई अभी आप लोग यहाँ का रिडीम सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे रिडीम सेक्शन में गाइस वही है जो अपने इंडिया सर्वर में है। और इसके बाद गाइस हमको यहाँ पर गिफ्ट सेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, और गिफ्ट सेक्शन से हम लोग ये सारे के सारे बंडल्स को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बंडल का प्राइस हाई है, लेकिन हमारे पास डायमंड भी बहुत ज्यादा पड़े हैं। ठीक है तो अभी आप लोग इनको देख सकते हो, और अगर डायमंड कम पड़ते हैं तो यार मिशन कम्प्लीट करना है, और मिशन को कम्प्लीट करने के बाद अगेन से हमको डायमंड मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग इन सारे के सारे रिवार्ड्स को देख सकते हो जिनको कि हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है तो अभी आप लोग इनको देखो। एंड हाँ अगर आपको भी एडवांस सर्वर चाहिए तब आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप लोग एडवांस सर्वर को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेम प्ले कर सकते हो और इस सारे के सारे डायमंड को क्लेम कर सकते हो।